कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रतापगढ़ की एमपी एमएलए प्रतापगढ़ सीट से एमएलसी प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को 7 साल की जेल और 10,000 जुर्माने की सजा सुना दी है। कोर्ट ने गोपाल जी को 1997 में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के आरोप में सजा सुनाते हुए कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया है। गोपाल जी कुंडा विधायक राजा भैया के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं, जिसके चलते सजा का ऐलान होते ही राजा भैया और गोपाल जी के समर्थकों में निराशा की लहर दौड़ रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 15 मार्च को ही गोपाल जी को मामले में दोषी करार दिया था। बीते सोमवार को ही गोपाल जी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 7 साल की सजा होने के चलते गोपाल जी का सियासी करियर खत्म होता नजर आ रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की तरफ से एमएलसी प्रत्याशी गोपाल जी का चुनाव लड़ना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर गोपाल जी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार 2 साल या उससे ज्यादा की सजा याफ्ता वाला शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे में गोपाल जी चुनाव से बाहर हो सकते हैं। हालांकि मामले को देखते हुए गोपाल जी की पत्नी मधुरिमा सिंह का पर्चा भी एमएलसी चुनाव के लिए भरा गया है। अगर गोपाल जी को राहत नहीं मिलती है तो प्रतापगढ़ से मधुरिमा सिंह एमएलसी चुनाव में ताल ठोक सकती हैं। आपको बता दें कि गोपाल जी कुंडा विधायक राजा भैया के करीबी रिश्तेदार हैं। गोपाल 4 बार एमएलसी और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। वो मौजूदा समय में भी एमएलसी हैं, लेकिन इस बार उनके एमएलसी बनने पर संकट नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।